आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। एसएम मेडिकल कॉलेज में ट्रायल्स ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या बीते कुछ दिनों में कम हुई है, लेकिन अभी भी ओपीडी के दौरान 200 से अधिक मरीज रोजाना देखे जा रहे हैं। हालांकि चिकित्सकों और स्टाफ के द्वारा लोगों को ओपीडी के दौरान सावधानी बरतने की सलाह लगातार दी जा रही है। जिस तरह की लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी और फिर एकदम से धीरे धीरे घटने लगी, अब राहत की बात यह है कि एक्टिव केस जो हैं अब काफ़ी संख्या में कम हो गए हैं, लेकिन बात करें नए मरीजों की, वो भी एक जो स्थिर स्थिति में आ रहे हैं। लगातार करीबन जो डिजिट है वो 50 के से ऊपर चल रही है फिलहाल, लेकिन इस समय साथ मौजूद है डॉक्टर आरएस राणा जो कि चीफ फार्मासिस्ट है, और आइए उनसे जानते हैं कि ट्रायल्स में ओपीडी के दौरान क्या कुछ व्यवस्थाएँ की गई हैं। जी, यहाँ जो मरीज आता है सबसे पहले यहाँ स्क्रीनिंग कराई जाती है, उसकी पहले हाथ सैनिटाइज करवाया जाता है, उसके बाद थर्मल स्क्रीनिंग करी जाती है, टेम्परेचर सही है उसको अंदर भेज दिया जाता है, और टेम्परेचर 100 से अबव है उसको इमरजेंसी में जाके दिखाया जाता है, उसका पर्चा बनवा के और जो भी जांच वाँच एडवाइज करते हैं वो एडवाइज करवा के दिखाया जाता है। अंदर जाके जो लाइन है सोशल डिस्टेंसिंग में गोले बने हुए हैं, गोले बने हैं उनमें खड़े करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, वहाँ पर पानी की टंकी में लाइफबॉय साबुन से हाथ साफ करवाते हैं। हाथ साफ करवाने के बाद में पर्चे वाले काउंटर मरीज पहुंचता है, वहाँ अपना पूरा एड्रेस और वो सब बता के पर्चा अंदर डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। संबंधित जो भी विभाग का डॉक्टर है मरीज़ को देख के, और जो भी आपको ट्रीटमेंट देना है, भर्ती करना है, जो भी एडवाइस करना है, एडवाइस देने के बाद में उसको जहाँ जाना है इमरजेंसी MCH या फिर घर होम आइसोलेशन के लिए देना है, या फ्रैक्चर का मरीज है तो उसको प्लास्टर के लिए भेजना है, जो संबंधित डॉक्टर हैं उनको एडवाइस करके भेज दिया जाता है। देखने में आया बीते कुछ दिनों से मरीजों की संख्या ट्रायल्स में कम होती जा रही है। जी, बीच में कुछ कम हुई थी संख्या, फिर दो दिन से फिर बढ़े हैं मरीज, थोड़ा सा 300 से अबव हो गए हैं मरीज, और वही ज़्यादातर मेडिसिन के पेशेंट आ रहे हैं, वही खांसी जुकाम बुखार सांस फूलना वो सब संख्या आ रही है मरीज, वो भी जाँचें भी पर्याप्त मात्रा में हो रही है मरीजों की, सबकी ज़्यादातर जाँच करवा रहे हैं, जो भी संदिग्ध मरीज दिख रहा है उसकी सभी की जाँच करवाई जा रही है, और जो भी पॉजिटिव और वो आ रहे हैं उनको MCH आइसोलेशन में ट्रीटमेंट कर रहे हैं या होम आइसोलेशन के, जो होम आइसोलेशन के लिए एडवाइज कर दिया जाता है। क्या क्या एंटीजन जांचें कराई जा रही है, अगर कोई सस्पेक्ट पाया जाता है तो क्या मतलब मौके पे हो रही है या फिर पूरा पर्चा या जो जो लिखा पड़ी है उसके बाद ही एंटीजन वगैरह किया जा रहा है? मौके पर तो हमारे श्रीमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय की जो टीम है उसको सूचना हो जाती है, तो वो मौके पर जाके एंटीजन टेस्ट करते हैं, उसके बाद वो पॉजिटिव आती है तो RT-PCR के लिए जिला स्थल भेज दिया जाता है, यदि मेडिकल कॉलेज दिखाने आया है तो यहाँ पे एडवाइज करके यहाँ पे भी जांच करवा दी जाती है। वेंटिलेटर की क्या स्थिति है इमरजेंसी में? वेंटिलेटर पर्याप्त हैं, वेंटिलेटर और बढ़ा दिए गए हैं, बेड भी बढ़ा दिए गए हैं, पहले 48 बेड थे और 60 बेड हो गए हैं, तो ऐसा कोई वो नहीं है, मरीज एक दो बेड दो चार बेड खाली रहते हैं हर समय, क्योंकि यहाँ शिफ्टिंग हो जाती है 12 घंटे बाद 24 घंटे बाद, तो ऐसा कोई समस्या नहीं है। राणा जी, अभी बीच में कुछ तस्वीरें आई थी कि मरीजों को एम्बुलेंस में इंतज़ार करना पड़ रहा है, मरीज के जो तीमारदार हैं वो परेशान हो रहे हैं, अब क्या स्थिति है? जी, थोड़ा सा आने के बाद थोड़ा जैसे स्ट्रेचर लेने गया है, स्ट्रेचर आ रही है उसको उतार के स्ट्रेचर पर ले जा रहे हैं, अंदर ले जा रहे हैं, थोड़ा सा 5-10 मिनट तो लग ही जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि घंटों खड़ा होना पड़े, उसके लिए भी हमने और वार्ड बॉयज़ वगैरह गार्ड्स वगैरह चेंज करे हैं, तो ऐसी असुविधा अब नहीं हो रही है बिल्कुल, वैसे ही मरीज आता है उसको अंदर कर दिया जाता है, उसका तीमारदार पर्चा बनवाने के लिए चला जाता है, जो भी पर्चा बनवा के और ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है भर्ती खाली। ट्रायल्स की टाइमिंग क्या है अब? ट्रायल्स की टाइमिंग तो 24 घंटे है, शिफ्ट 8 से 2 और 2 से 8 और 8 से 8, 3 शिफ्ट चलती हैं, और जिसमें हमारे सारे कर्मचारी डॉक्टर सारी अवेलेबिलिटी रहती है, कोई असुविधा नहीं हो रही। तो ये थे हमारे साथ चीफ फार्मासिस्ट डॉक्टर आर एस राणा, जिन्होंने बताया कि नोडल अधिकारी पर जो बदल जाने के बाद से लगातार व्यवस्था में और भी सुधार किया गया है। अगर बात करें मेडिसिन को लेकर या फिर पर्चे को लेकर या फिर दवाइयों को, अन्य जो जो ज़रूरी दवाइयां हैं या फिर वेंटिलेटर को लेकर, उसमें सुधार किया गया है। राहत की बात यह है कि जो मरीज पहले की तुलना में बड़ी संख्या में आ रहे थे, अब थोड़ी सी संख्या इनकी घटी है, लेकिन लोगों जो यहाँ के स्टाफ का कहना यही है कि तीमारदारों की संख्या कम संख्या में तीमारदारों को लेके आए, क्योंकि एक एक मरीज के साथ दो दो तीमारदार आने से भीड़ और बढ़ जाती है, जिससे संक्रमण का खतरा और बढ़ जाता है। कैमरा पर्सन अनूप बघेल के साथ अनिल कुमार सिंह, सी न्यूज़ आगरा।